हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। यह है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी, और अन अकेडमी यूपीएससी पर आप देख रहे हैं मुझे यानी दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर बज चुके हैं रात के 12 और एक बहुत ही स्पेशल अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, मैं आपके साथ आया हूँ। जी हाँ, एक बहुत ही डिफरेंट व्यू देखने को मिला है महाराष्ट्र के लोनार लेक का। और ये जो डिफरेंट व्यू देखने को मिला है महाराष्ट्र के लोनार लेक का, इसी को डिस्कस करने के लिए आज रात के 12 बजे हम यहाँ पे आपके साथ हैं। और आज पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज ही ये इवेंट हुआ है तो लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के लोनार लेक का। पर आप चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके साथ हूँ मैं और मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोनार लेक में भी ऐसा फिनोमेना पहले होता रहा है, और वर्ल्ड का एक ऐसा ही लेक लोनार लेक जो है उसका वाटर जो है वो सलाइन है। वर्ल्ड में एक ऐसा और लेक रहा है जो ईरान का एक लेक है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वहां पे भी ऐसा फिनोमेना हुआ है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा एक वीडियो जिसमें लोनार लेक का जो कलर है वो किस प्रकार का अभी हो गया है ये पता चलेगा। और फिर आपको पता चलेगा क्या, फिर आपको पता चलेगा ये कि ऐसा पहले कहाँ हुआ है। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा पहले कहाँ हुआ है, तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वो किस वजह से हुआ था, और वही वजह शायद इंडिया में भी जो ये कलर का चेंज हुआ है उसका रहा है। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाए। गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई, गुड इवनिंग कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो ये सेशन आपके लिए कौन लेकर आया है, ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ, एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या हुआ है यहाँ पर। ये देखिए जरा कि लोनार लेक में क्या हो रहा है, ये देख लीजिए आप। दिस इज द वीडियो ऑफ लोनार लेक। अपनी ओर खींच लिया है, वजह है इसके पानी का रंग जो अचानक से बदला और हरे से लाल हो गया। अब इसके पीछे की वजह तलाशी जा रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौजूद लोनार झील से पहले से ही कई रहस्य जुड़े हैं, लेकिन अब इसके पानी के हरे रंग से लाल रंग में बदलने पर लोगों के साथ ही एक्सपर्ट्स भी हैरत में आ गए हैं। आइए आपको बताते हैं अचानक से रंग बदलने वाली इस झील की पूरी कहानी। दरअसल लोनार झील बेहद ही रहस्यमयी है, और सबसे बड़ी बात इसकी उत्पत्ति से जुड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने की वजह से ये झील बनी थी। पिछले कुछ 2-3 दिनों में सालों से इस झील पर कई बड़ी एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इस झील को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है। लेकिन अब झील के पानी ने जो रंग बदला है उसने एक अलग रहस्य सामने लाकर रख दिया है, जिसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश शुरू। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कलर का चेंज हुआ है, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अलग सा ये लेक दिख रहा है, लोनार लेक। तो लोनार लेक जो है वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका ओरिजिन ऐसा है मीटियोर से रिलेटेड, उनका पिंड से रिलेटेड इसका ओरिजिन है, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले से इम्पोर्टेंट था, और अब जब करंट अफेयर्स में आया तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और ऐसा अलावा अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पर मेरी क्लासेस चलती है, जिसके बारे में मैं सेशन के एंड में आपको बताऊंगा। तो आइए फटाफट से जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र के बुलढाणा में है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में जो ये है, इसमें जो ये कलर चेंज हुआ है इसके बारे में पूरी बात जानेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जो अंदाजा ज्यादातर आज न्यूज़पेपर्स में लगाया गया है, ज्यादातर जो न्यूज में जो आया है वो देखेंगे, फिर एक्चुअल ऐसा कहाँ हुआ है वहां पे भी आपको ले जाएंगे, वहां पे क्या रीजन था वो भी बताएंगे, और वही एक्चुअल रीजन है बस। ठीक है, तो कलर जो पिंक चेंज हुआ है वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ है। बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ है। इस वाटर में एल्गीज हैं, कुछ एल्गीज हैं, और इसी एल्गी की वजह से शायद ऐसा हुआ है। जो सैलिनिटी है और जो एल्गी है, इन दो चीजों को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है इस कलर चेंज का। तो कलर चेंज के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा आज के ज्यादातर जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कवर किया है। पहला है सैलिनिटी और दूसरा है एल्गी, ऐसा जो लोनार लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके मेंबर्स का कहना है।
मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि इस लेक में देयर इज नो ऑक्सीजन बिलो 1 मीटर, 1 मीटर के नीचे इस लेक में कोई ऑक्सीजन नहीं है और ये भी एक कारण हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि ईरान के भी एक झील में ऐसा हुआ था, ठीक है, ये कलर रेडिश हो गया था ईरान के भी एक झील का, शायद वैसा ही कुछ फिनोमिना यहाँ पर हुआ है। तो जी हाँ, ईरान का लेक उर्मिया जो कि शायद आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वहां पर ऐसा हुआ है। लेक उर्मिया जो है वो एक सलाइन वाटर का लेक है, वो एक ब्रैकिश, यहाँ की जो सैलिनिटी है वो काफी ज्यादा है और ऐसा एक सलाइन वाटर का लेक, इसका भी कलर चेंज हुआ था। आप इस जो फोटो है, इस फोटो में आप इसका कलर चेंज देख सकते हैं और इसीलिए जो हमारे कनेक्शन है, जो हमारे तार हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ईरान के इस लेक के बारे में नेशनल ज्योग्राफिक पे क्या आर्टिकल आया था, मैं उस आर्टिकल को भी आपको दिखाऊंगा, तो सारी की सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। बट उससे पहले यहाँ का जो लेक लोनार है उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ के जो अथॉरिटीज हैं वो बता रहे हैं उसको भी जरा देख लेते हैं, सो दैट पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए और आप पूरा रिलेट कर पाए। तो स्क्रीन पर जो देख रहा है उसको देखते हैं एक बार। जो लेवल है लोनार लेक में, जो वाटर का लेवल है वो कुछ टाइम से लो रहा है, क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स में ये लेवल के घटने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं हुई है तो फ्रेश वाटर का एडिशन नहीं हो रहा है। किसी भी वाटर बॉडी में जब वाटर का लेवल डिक्रीज होता है और वो सलाइन वाटर बॉडी है, वाटर का लेवल कम हुआ और सलाइन वाटर बॉडी है, मतलब सैलिनिटी जो है वो बढ़ रही है, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, वाटर का तो लॉस होगा ही टाइम के साथ, ठीक है, तो वाटर तो इवेपोरेशन के साथ घट रहा है, नया वाटर आ नहीं रहा, वाटर का लेवल कम हुआ मतलब सैलिनिटी जो है वो बढ़ गया, तो सैलिनिटी इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट से हमें क्या आउटपुट मिलता है कि सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लो लेवल ऑफ वाटर जो है उसके कारण सैलिनिटी इंक्रीज हो रहा है, ये बात तो आप समझ गए। और ये सैलिनिटी का इंक्रीज जो है, ठीक है, ये एल्गीज के बिहेवियर को भी चेंज करता है और शायद यही कारण रहा हो इस कलर चेंज का। और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ, लोनार लेक में पहले भी ऐसा होता रहा है, पर इतना ज्यादा ब्राइट कलर डिफरेंस ये पहली बार हुआ है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक नेचुरल फिनोमिना है और ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम देखने को मिलता है। और एक नेचुरल फिनोमिना ये भी है कि आप देखते होंगे ज्यादातर वाटर बॉडीज जो हैं, ज्यादातर लेक्स वगैरह जो हैं, वो आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो वो ग्रीन कलर के इसलिए दिखते हैं बिकॉज ऑफ फंगाई, ठीक है, जो फंगाई होते हैं वो इनको ग्रीनिश कलर देते हैं ज्यादातर वाटर बॉडीज को। और शायद यहाँ पर चूंकि लॉकडाउन वाले फेज में बहुत लंबे टाइम तक कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया, तो इन फंगाई और इन बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये हो गया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि ईरान के लेक में क्या हुआ था, जरा वो देखिए नेशनल ज्योग्राफिक पे ईरान के उस लेक में, लेक उर्मिया में जो चेंजेस हुए उसके बारे में क्या लिखा गया है। देखिए जरा ईरान के इस लेक के बारे में ये नेशनल ज्योग्राफिक का आर्टिकल, इस आर्टिकल से ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कारण है इंडिया में ऐसा होने का, इंडिया के लेक लोनार में ऐसा होने का। देखिए, तो हाउएवर इन द कंडीशंस ऑफ हाई सैलिनिटी एंड लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, हाई सैलिनिटी और लाइट इंटेंसिटी, द माइक्रो एल्गी टर्न्स रेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव कैरोटेनॉइड्स। तो प्रोटेक्टिव कैरोटेनॉइड्स जो हैं, ये एक प्रकार का सेल में इनका प्रोडक्शन होता है और जब सेल में इनका प्रोडक्शन होता है तो माइक्रो एल्गी जो है वो ग्रीन से रेडिश कलर किसी भी वाटर बॉडी को दे देते हैं। तो एक फैमिली ऑफ बैक्टीरिया है जिस फैमिली ऑफ बैक्टीरिया का नाम है हेलो बैक्टीरियाई, ठीक है, हेलो बैक्टीरियाई नाम है और ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस ऐसे चेंजेस के लिए। तो जो सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे यूज अ रेड पिगमेंट टू एब्जॉर्ब सनलाइट और कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, ठीक है, और इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ देम इन द वाटर मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रेडिश ह्यू, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन दो चीजें निकलती हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि एक यहाँ पे जो फैक्टर है वो सैलिनिटी है, दूसरा फैक्टर जो है वो यहाँ पर क्या है, दूसरा फैक्टर जो है वो यहाँ पर
है ये माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया का जो फैमिली का नाम है ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान के किस लेक में ऐसा पहले हुआ है? ईरान के लेक उर्मिया में ऐसा पहले हुआ है, ठीक है। ये लेक उर्मिया की फोटो है। द वॉटर्स ऑफ लेक उर्मिया चेंज फ्रॉम ग्रीन ऑन अप्रैल 23rd टू रेड ऑन जुलाई 13 एज सीन बाय नासा सैटेलाइट, ठीक है। तो ऐसा पहले भी हुआ, ऐसा फर्स्ट इवेंट वर्ल्ड लेवल पर नहीं है, लेक लुनार में भी ऐसा पहले होता रहा है, पहला इंसिडेंट नहीं है। लेक लुनार के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। लेक लुनार जो है वो मेटीरियोइड से बना हुआ लेक है, उल्कापिंड से बना हुआ लेक है, 50,000 वर्ष पहले बना था, प्लिस्टोसीन इपॉक के टाइम पे बना था, और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी लेक लुनार का मेंशन है, ठीक है। ऋग्वेद 50,000 साल से तो कम ही पुराना है, ठीक है। तो जो हमारा ये है लेक है, ये लगभग लगभग महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है, और एक ये पॉपुलर टूरिस्ट हब भी है और साइंटिस्ट को भी विश्व भर से अट्रैक्ट करता है। ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिसका वाटर कैसा है, जिसका वाटर सलाइन है, लगभग पीएच 10.5 है इस वाटर का। तो ये कुछ डिस्कशंस थे जिसके बारे में हमने आज देखा। पूरे दिन भर ऐसी न्यूज चल रही थी कि लेक लुनार का वाटर जो है वो पिंकिश क्यों हुआ, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस हमने इससे शेयर किया। गुड नाइट।